डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WHO और चाइना। ये दो वर्ड आप लगातार सुन रहे हैं, आपने कई जगह फोटो तक देखी होंगी कि WHO के डायरेक्टर जनरल चाइना के साथ या इंक्लाइंड जो है उनकी तरफ झुकाव रख रहे हैं। ये सारी खबरें आपने सुनी हुई है, है ना। देखिए, इतनी महामारी के चलते WHO का नाम खराब हो चुका है, उसकी भूमिका को लेकर के सभी आश्चर्य में है कि जिसकी भूमिका बड़ी तगड़ी होनी चाहिए वो बहुत पीछे रहा, है ना। आपने यहां तक ये भी सुन लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, खुल करके आलोचना तक कर डाली WHO की। सवाल खड़े हो गए कि क्या WHO ने सही भूमिका निभाई, क्या उसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्या उसने चाइना से सही सवाल पूछे उसने कि ताकि जो है उसके खतरे को भापा जा सके और लोगों को बताया जा सके। क्या ऐसा कुछ भी हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या है, चाइना से सही सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? मतलब कुछ ना कुछ तो है जो WHO झुकाव रखता है चाइना की तरफ। तो आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर क्या है इन दोनों से रिलेशन, है ना। WHO चाइना, WHO चाइना आप जो बार बार सुन रहे हो, सो पूरा क्लियर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए बंधु, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। एक WHO आपको समझना पड़ेगा और एक चाइना का जो रिलेशन है वो समझना पड़ेगा, है ना। WHO क्या? WHO यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, है ना। ये 1948 में बनाई गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम ये है कि ये जो आपातकालीन बीमारियां होती हैं उनसे लोगों को बचाना, इसीलिए ये बनाया भी गया था। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका कार्य समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है ऐसा, है ना। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक असेंबली है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, है ना। WHO इस तरह से ऊपर है, उसको जो चलाता है उसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है तो असेंबली में लोग होते हैं, तो इसमें 194 लोग हैं, 194। ये 194 क्या है? ये 194 कंट्रीज हैं, तो हर कंट्रीज से एक एक बंदा उसमें आकर के रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही सारे निर्णय लेती है WHO के लिए। निर्णय कौन कौन से लेती है? ये निर्णय जैसे कि पॉलिसी क्या होगी, बजट क्या रहेगा, कौन इसका डायरेक्टर जनरल बनेगा WHO का, है ना। ये सारे निर्णय WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लेती है। अब भी आपको ये समझना है कि जब ये 194 लोग हैं, 194 लोग हैं, तो क्या ये कोई भी पॉलिसी को पढ़ने में और बजट को बनाने में टाइम निकाल पाएंगे? अगर टाइम निकाला तो 194 अगर पढ़ने बैठेंगे तो पूरा टाइम बेकार हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि भाई हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो हमारी तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, छोटा सा ग्रुप और बनाते हैं। तो इन लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप और बनाया और उसे नाम दे दिया एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अब आपके पास तीन चीजें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे यहां पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बना ली है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 194 लोग हैं और ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी हुई है इसमें 34 लोग हैं, यानी कि 34। अब ये 34 है तो क्या आप ये पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जल्दी से जो 194 लोग टाइम लेंगे उससे कम समय में ये लोग कर लेंगे? और ये 34 लोग होते कौन है? ये लोग टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं मेडिकल फील्ड में, है ना, अच्छे जानकार होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि WHO का अगर हमें डायरेक्टर जनरल भी चुनना है तो ये भी काम किसका होता है? WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी का ही होता है। तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी क्या करेगी, ये आप ऐसा एग्जाम्पल ले लो, ये लोग इनको पूरी दुनिया में जो बहुत अच्छे लोग लगते हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उस लिस्ट को दे देते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी को। भाई ये तो 194 है, बहुत टाइम लगेगा, 34 लोग पहले एग्जामिन कर लेंगे और ये वेल क्वालिफाइड है तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि कैसा बनना चाहिए, जो लीडर होना चाहिए पूरे WHO का, ठीक है। तो जैसे ही वो जो 6 नाम या 7 नाम या जो भी ये लेकर के आते हैं, ये सारे नाम दे देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी को। एग्जीक्यूटिव बैठती है, इनकी स्किल टेस्ट लेती है, है ना, इन पांचों इन सभी में से इनको शॉर्ट लिस्ट करती है, इंटरव्यू लेती है और इनको जो अच्छे लगते हैं तो 6 में से 3, 2, 1 जितने भी इनको अच्छे लग जाए तो ये वापस से भेज देते हैं उसे WHA की तरफ, है ना। अब WHA के पास मान लो इन्होंने 6 भेजे थे एग्जीक्यूटिव बॉडी को, एग्जीक्यूटिव मैंने टेस्ट ले लिए, अब बचे 3, तो इनने वापस 3 भेज दिए। अब उन 3 को अच्छे से परख लिया गया है, ये तीनों काबिल हैं, तो इन तीनों में से चुनने के लिए ये 194 लोग की जो टीम है ये वोटिंग करेगी और जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोटिंग मिल जाएगी वो बन जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर जनरल होता है और 3 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आज के परिवेश में वापस आते हैं क्योंकि आपको तो मेन ये सब, तो आपने देखा कि सिलेक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। 194 कंट्रीज है तो बनी बात है इसमें चाइना भी है, 194 में चाइना ही तो है,
तो चाइना का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है इसमें, ये आपको आगे मालूम चलेगा, इस पर बने रहिए अभी। तो अब इन्होंने एक को चुन लिया, मैं आपको सिर्फ दो नाम याद रखने के लिए कहूंगा जो इस बार के हैं प्रेसिडेंट, टेड्रोस है ना, टेड्रोस जो आप नाम सुनते रहते हो बार बार, टेड्रोस जो अभी बन चुके हैं। तो जो टेड्रोस के साथ प्रतिद्वंदी खड़े थे उस समय जब 194 चुनाव कर रहे थे, तो एक और बंदे का नाम याद रखिए, नेबैरो है ना, नेबैरो। तो नेबैरो और टेड्रोस क्यों याद रखना है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ना आगे जब मैं बताऊँ। दो नाम याद बस रख लीजिए, एक टेड्रोस है एक नेबैरो है, ठीक है। तो टेड्रोस को सबसे ज्यादा वोट मिले, हाँ उस समय 194 लोग नहीं थे, 185 लोग मौजूद थे और 135 वोट जो मिले वो टेड्रोस को मिले थे, और टेड्रोस जो है डायरेक्टर जनरल बन गए, 2017 में बने थे, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ WHO की, जो ये जो उसने लापरवाही दिखाई है ना COVID-19 को लेकर के, महामारी को लेकर के, जिसके कारण उसका नाम बदनाम हो चुका है। आपने देखा ना उसका मेन मुख्य काम क्या था, कि बीमारियों के प्रति लोगों को सजग करना, उनको तुरंत के तुरंत उसके बारे रोकथाम के बारे में बताना, ये सब उसका काम है ना। लेकिन अब लापरवाही देखिए, मैं आपको डेट वाइज समझाऊंगा इस पूरी लापरवाही को, आपको यकीन नहीं होगा सुनकर के, लेकिन 29 दिसंबर को चाइना ने खुद, देखिए डेट ध्यान रखिए, डेट से आप समझ जाएंगे लापरवाही, 29 दिसंबर को चाइना ने खुद कॉल करके WHO को यह बताया कि हमारे यहाँ कुछ लोग मर रहे हैं और उसका रीजन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल, जो कि देखो WHO मतलब डायरेक्टर जनरल, वही निर्णय लेते हैं सारा, तो टेड्रोस ने कुछ किया ही नहीं, WHO ने मतलब ऐसा लगा जैसे यहां से निकल के यहां चली गई। ये 29 दिसंबर की बात थी, 29 दिसंबर निकल गया, ऐसे करते करते पूरा हफ्ता बीता और अब आता है 7 जनवरी, ठीक है। ये 29 दिसंबर 2019 था, 7 जनवरी 2020 को चीन ने खुद ही सूचना दी कि कोरोना नामक एक वायरस जो है वो फैला हुआ है पूरे वुहान में, ये उन्होंने खुद ने बता दिया। लेकिन भैया हमारे टेड्रोस साहब WHO के डायरेक्टर जनरल के कान में जू तक नहीं रहेंगी, फिर भी वो सावधान नहीं हुए। पता नहीं जैसे कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना के प्रति, है ना, कि क्योंकि चाइना के प्रति समर्थन, क्योंकि इसलिए भी है वो चाइना के प्रति इंक्लाइंड, क्योंकि चाइना ने उनका बहुत जोरदार समर्थन किया था WHO में, है ना। अभी ये समर्थन वाली बात आपको धीरे धीरे और समझ में आएगी, ऐसा क्या है भाई, वहां तो 194 कंट्रीज है ना, तो फिर एक चाइना से क्या लेना देना है। तो इस बात के लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे इस वीडियो में। तो हम वापस आते हैं, तो आपने देखा कि 7 जनवरी को चाइना ने खुद ही बता दिया, 7 जनवरी से दिन बीता और आ गई 20 जनवरी, और 20 जनवरी वो दिन है जिस दिन पहली बार रिपोर्ट निकाली WHO ने COVID-19 कोरोना वायरस को लेकर के, 20 जनवरी को निकाली एक पहली रिपोर्ट। और आपको मालूम है जब तक 20 जनवरी को उन्होंने पहली रिपोर्ट निकाली तब तक 3 देशों में ये फैल चुका था, वुहान से निकल के थाईलैंड, कोरिया और आपके जापान में, है ना, जब तक उनकी। और रिपोर्ट में कुछ लिखा नहीं है, बस रिपोर्ट की हाँ एक वायरस है, कुछ खास नहीं है, बस एक रिपोर्ट निकाली थी। और धीरे धीरे करते आ गई 23 जनवरी, 23 जनवरी, और 23 जनवरी वो दिन है जिस दिन चाइना ने अपने हुबे प्रांत को पूरा लॉकडाउन कर दिया। हुबे प्रांत की ही राजधानी वुहान है, जहां पर आपने कोरोना वायरस को, जो कोरोना वायरस का सेंटर भी रहा है ना। जब चाइना को कुछ भी नहीं सूझा कि इस वायरस की रोकथाम कैसे करते, तो उसने पूरे राज्य को लॉकडाउन में डाल दिया। जब उसने लॉकडाउन में डाला उस पूरे प्रांत को, तब WHO की नजर और पूरी दुनिया की नजर उस पर पड़ी कि अरे ये क्या हुआ है, इस तरह ऐसा लॉकडाउन क्यों करना पड़ गया है ना। तो आपको लग रहा हो कि अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब WHO कुछ करेगा, कुछ भी नहीं किया। ये 23 जनवरी की बात थी, 23 जनवरी 24 25 26 27 इतने दिन निकल गए, 27 जनवरी आती है और WHO के जो हमारे चीफ है, डायरेक्टर जनरल है, वो आते हैं चाइना। और अब आपको लगेगा चाइना आकर के उतना बड़ा WHO का वो बंदा आया है तो कुछ ना कुछ तो अब देखेगा, तो उसने कुछ नहीं किया है। उसने ये देखा कि अच्छा कोरोना वायरस के चलते चाइना ने लॉकडाउन कर दिया है, उसने चाइना के पुल बांधने शुरू कर दिए, तारीफों की, चाइना का बहुत बड़ा योगदान है महामारी इस वायरस से लड़ने का, उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक क्या कहना चाहिए, WHO के चीफ क्या उन्हें ये शोभा दे रहा था, इज द चीफ ऑफ द WHO, ठीक है, वो नौकर नहीं है चाइना के। और जब वो 27 तारीख को वहां पर घूम रहे थे चाइना में, तो आपको पता है कि ये 15 देशों में और फैल चुका था, तक सबसे खतरनाक रूप ये ले चुका था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी WHO को चीफ को कोई चिंता नहीं हुई। क्या आपको उनका ये रवैया देख करके लग रहा है कि वो किसी संस्था के चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं? बिल्कुल ऐसा ही लगता, किसी के इशारे पे चल रहे हैं, है ना, कि कोई इंसान कारण नहीं बताना चाहता कि बीमारी क्यों फैली, और ये पूछ तक नहीं रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक क्या कहते हैं टीम बना दी, और टीम आप सुन करके नाम हैरान हो जाएंगे, WHO प्लस चाइना।
ये जो प्लस में होता है ना एक कंट्री, ये कभी नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। WHO एक इंडिपेंडेंट संगठन है ना, स्वतंत्र संगठन है, वो किसी भी कंट्री से जुड़ करके कोई टीम कभी नहीं बना सकता। उसके तो अंडर ऑलरेडी टीम आती है जिसमें चाइना एक पार्ट है, ये अलग से चाइना क्यों बनाया गया। और ऐसे करते करते दिन बीते और आ गई 30 जनवरी, है ना, पूरा एक महीने से ज्यादा होने को है, 30 जनवरी आ गई। और अब आपको लगा होगा कि अब तो कुछ होगा, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। 30 जनवरी को WHO ने COVID-19 यानी कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा कह दिया। अंडरलाइन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा कह दिया। और यहीं पर नहीं थमा ये लापरवाही का सिलसिला, अब फरवरी आ गई है ना, फरवरी में इन्होंने मीटिंग बुलाई अपनी कार्यकारी बॉडी की, वही WHO असेंबली की, और ये कार्यकारी बॉडी एक साथ बैठते हैं, जो 4-5 फरवरी को हुआ। उस मीटिंग में 52 एजेंडाज रखे गए थे, 52 एजेंडाज, और आप यकीन नहीं मानेंगे उस 52 एजेंडा में से COVID-19 का नाम ही नहीं था, उन 52 में COVID-19 नहीं था। तो COVID-19 के लिए क्या किया उस मीटिंग में, फिर जब कुछ नहीं था तो उनमें सिर्फ WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल ने सिर्फ भाषण दिया, है ना, एक ब्रीफ हल्का सा नोट बताया। एक 4 फरवरी को मीटिंग हुई थी उसमें एक बता दिया, और एक 7 फरवरी को मीटिंग हुई थी एक उसमें बता दिया। तो ऐसे करते करते दिन बीत गया, कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी आपको वो टीम याद है ना आपकी जो मैंने बताई थी, WHO प्लस चाइना, हाँ भैया, तो ये टीम अब निकलती है 14 फरवरी, ठीक है, और दिन बीत गए, अब 14 फरवरी आती है। 14 फरवरी को WHO प्लस चाइना की ये संयुक्त टीम पहुंचती है वुहान में, टेस्टिंग करती है और 29 फरवरी तक टेस्टिंग करती रहती। भैया आप सोचो, पूरा आधा महीना इन्होंने टेस्टिंग करी है, मतलब अब क्या बोलोगे आप इसमें। अब आपको लगेगा कि इतने दिन टेस्टिंग करने के बाद तो कहीं ना कहीं मतलब अब बिल्कुल बिल्कुल फोड़ के निकाल दिया होगा, कि मतलब कोरोना का वायरस के अंदर का मतलब जीव, टांग, हाथ क्या दिखते हैं, सब दिखता होगा, ये सब निकाल लिया होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो टेक्निकल बंदे, सारे टेक्निकल बंदे वहां मिल करके जब वहां पहुंचे, तो आपको मालूम है इनने क्या डायलॉग दिया पेपर में, क्या छपता है पेपर में, छपता है कि चाइना में आइए घूमिए, चाइना की इकोनॉमी डाउन हो गई है। उस टीम को ये बोलना चाहिए था कि रोकथाम कैसे करना है, उस टीम ने ये बोलना शुरू कर दिया कि चाइना की इकोनॉमी गिर रही है। और डेट के सिलसिले में इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और आपको मालूम है फरवरी तो खत्म हो गई, अभी भी तारीफें ही चल रही थी चीन की, कुछ रोकथाम के लिए तो कुछ निकला ही नहीं। अभी भी WHO को ये नहीं लगा कि कम से कम इसको महामारी घोषित कर दे, वो अभी भी इससे कतरा रहे थे। और मार्च बीतने को गया, 4-5-6 सब बीत गया, और आती है 11 मार्च, जब पूरी दुनिया त्रस्त हो गई इस वायरस से, तब इन्होंने उसे पेंडेमिक घोषित कर दिया, है ना, कि भैया। तो 11 मार्च डेट याद रखिए, 11 मार्च को WHO ने COVID-19 को पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया भैया। ये कुल मिलाकर के आपने अभी तक जो समझा वो सिर्फ इतना ही था कि WHO का झुकाव कहीं ना कहीं चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है, और इसीलिए उसने कभी कुछ चाइना से मतलब डिटेल में कुछ पूछा नहीं और उसकी तरफदारी कर रहा है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का रोल कैसे है, इतना इन्फ्लुएंस क्यों है एक स्वतंत्र संगठन में चाइना का। पहले चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं, चाइना जो है पॉलिटिक्स में कैसे काम कर रहा है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए चाइना की। चाइना का कुछ लेना देना नहीं था टेड्रोस से। चाइना को ऐसे समझिए कि इसमें एक चाइना है, एक छोटा सा ताइवान है, है ना। चाइना के नीचे आपको छोटा सा ताइवान दिखेगा, आइलैंड का वो समूह है, है ना। तो होता क्या है कि ताइवान पहले ताइवान नहीं था, वो भी पहले चाइना ही था, है ना। हुआ क्या कि चाइना में दो पार्टी थी, एक पार्टी थी, एक का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुत ध्यान से सुनिए, जिस अब ये दो है ना, तो ताइवान भी एक चाइना ही है और चाइना तो चाइना है ही है, लेकिन चाइना का एक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर से बोल रहा हूं, चाइना जिसको आप सुनते हो उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। इसमें पीपल वर्ड आता है, इसमें पीपल वर्ड नहीं आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आपको जीके के लिए वैसे भी काम आएगा। अब अंतर क्या है, हुआ क्या था कि ये अलग अलग हो गए। तो ताइवान कहता है कि ये पूरा चाइना हमारा है, और चाइना तो कहता है कि ताइवान हमारा है, चाइना कहता है कि जो ताइवान है ये मेरा छोटा सा एक राज्य है। अब तो फिर इनकी तो पर्सनल लड़ाई होगी ना, इसका WHO से लेना देना क्या। अब देखिए, जितने भी देश हैं वो सब यही चाहते हैं कि हम बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, है ना। तो UN से भी ताइवान जो है वो जुड़ना चाहता है, लेकिन चाइना जो है अपने दुश्मन को जुड़ने नहीं देना चाहता है, है ना। चाइना कहता है कि ये कुछ अलग नहीं है, ये हमारे अधीन है, ये एक ही चाइना है, दो अलग अलग चाइना नहीं हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना। वो भी कहता है कि एक ही चाइना है, वो हमारा चाइना है, है ना। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका राइवलरी, उसका दुश्मन जो है एक
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। ठीक है भाई, चाइना तो एक ही नाम रहेगा। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक नियम है कि उसमें सिर्फ वही कंट्री सदस्य बन सकता है जो कि फ्री होगा, सॉवरन होगा, जिसके पास फ्रीडम होगी। अब ताइवान को आप देख रहे हो, वो छोटा सा है, चाइना बहुत बड़ा सा है, तो चाइना अपना, और बनी बात हम जानते हैं कि ताइवान तो चाइना से ही निकला हुआ है ना, तो वो तो सब जग जाहिर है। इसलिए चाइना जो ताइवान है वो अपने आप को घोषित नहीं कर पाता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या वो WHO की ये 194 वाली जो सीट है उसमें आ सकेगा? कभी नहीं आ सकेगा। उसमें चाइना है लेकिन ताइवान नहीं है। 2003 में सार्स बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ताइवान उससे प्रभावित हुआ था। तब अमेरिका और इन सब ने कहा था कि ठीक है, काम करो, इसे अगर परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते क्योंकि ये आज़ाद नहीं है, तो इसे ऑब्जर्वर स्टेटस दे दो, यानी सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात होगी। अब देखिए, जितनी भी मीटिंग होती है, जैसे कि DG की या जैसे कि जैसे डायरेक्टर जनरल चुनना है, तो ये जो WHO टीम है ये सभी कंट्रीज को बुलाती है। तो इनको 2017 में जब टेड्रॉस चुने जा रहे थे तो ताइवान को भी बुलाना था, ये क्लियर है। लेकिन चाइना को ये पता था ताइवान में जो बंदा अब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने वाला है वो चाइना की कहते हैं सत्ता को नहीं मानेगा अपने ऊपर, और जब वो नहीं मानेगा तो चाइना ने कह दिया WHO से कि भाई एक काम करिए, ताइवान की सीट नहीं होगी, अब वो ऑब्जर्वर की तरह नहीं बुलाया जाएगा। तो उसको ऑब्जर्वर की तरह बुलाया नहीं, है ना। अब इससे ताइवान चिढ़ गया कि भाई मुझे ऑब्जर्वर की तरह बुलाया नहीं और वहाँ डायरेक्टर जनरल की सीट होनी है। तो आपको मालूम है ना, दो कैंडिडेट मैंने नाम लिए थे अभी थोड़ी देर, नबैरो और टेड्रॉस। तो ताइवान को ये लगा कि जो नबैरो है वो ताइवान का फ्रेंड टाइप का है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। नबैरो भी घूमने आया था और टेड्रॉस भी घूमने आया था। घूमने इसलिए आते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट है, तो वो प्रचार करते हैं कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, तो हर कंट्री में घूमते रहते हैं जब तक वो कैंडिडेट रहते हैं। तो ऐसे नबैरो भी घूम रहा था, ऐसे टेड्रॉस भी घूम रहा था। तो पता नहीं क्यों ताइवान को ऐसा लगा कि जो नबैरो है वो इनके हित में काम करेगा, और अगर वो एक बार WHO का चीफ बन गया तो ताइवान के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो उन्होंने, एक तो चाइना ने वैसे ही मना कर दिया था ताइवान को एंट्री लेने से, ताइवान चढ़ा हुआ था, लेकिन ताइवान चढ़ा हुआ है ना, उसके जो दोस्त कंट्री हैं वो तो उस 194 में मौजूद है। इस ताइवान ने 194 में से कुछ को ये कह दिया अपने कंट्री दोस्तों को, दोस्त जितनी भी इनकी कंट्रीज में दोस्त होंगी, कि तुम लोग सबके सब नबैरो को वोट दोगे। ये बात चाइना को समझ में आ चुकी थी कि ये लोग नबैरो को वोट दे रहे हैं। चाइना ने किसको सपोर्ट कर दिया फिर? एक्चुअली में उसने टेड्रॉस को सपोर्ट कर दिया, और भारी बहुमत से टेड्रॉस वहां पर जीत जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब चाइना ने ये चीज डायरेक्टली नहीं की है, ये इनडायरेक्टली हो गई है। वो लड़ रहा था अपने ताइवान से, लेकिन इस चक्कर में जीत गया टेड्रॉस, और टेड्रॉस को ये लगा कि चाइना मेरे सपोर्ट में है, तो टेड्रॉस आज आपको वो चीज दिखा रहा है ना। आज कुछ भी होता है तो टेड्रॉस जो है चाइना के फेवर में। चाइना से एक भी खरा सवाल नहीं पूछा उसने। आपने देखा कि चाइना किस तरह से लड़ रहा था, उसने एक बार बीच में भी मना भी कर दिया था कि हमारे यहाँ से ये COVID-19 उत्पन्न ही नहीं हुआ, ये हमारे यहाँ से है ही नहीं, ये जितनी बीमारी है सब अमेरिका की है, है ना। और जब ये चीज समझ में आ गई डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये जो इतना झुकाव दिखा रहे हैं, है ना, किसकी तरफ? चाइना की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बजट में 26% जो पैसा मिलता है WHO को वो काट लिया है। WHO है ना, अब आप सोचेंगे कि इतना प्रभुत्व क्यों है चाइना का, 194 कंट्रीज हैं तो उसमें। देखिए, WHO एक संगठन है और चलता पैसों से है, और पैसे जो देगा उसका तो प्रभुत्व रहेगा ही। तो अमेरिका और चाइना ये दोनों और रशिया बहुत पैसा देते हैं, है ना। तो इसीलिए, और सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? बनी बात है अमेरिका देता है, इसलिए अमेरिका तो हर जगह राजा ही है, है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे जो है चाइना भी देता है, इसलिए चाइना की भी सुनी जाती है। तो भाई सेकंड थर्ड पे तो ताइवान तो बेचारा बच्चा है, वो क्या पैसा देता होगा, समझ गए। तो इसलिए चाइना का प्रभुत्व था, उसके दिए हुए सपोर्ट को हटा दिया गया और दूसरे को सपोर्ट दिया, इस चक्कर में पूरी चीजें बिगड़ गई, है ना, और आज हम सब भुगत रहे हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को अपने पब्लिक हेल्थ से जोड़ करके आपको समझाने की। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है और अच्छी लगी है तो इसे बिल्कुल दूसरे ग्रुप में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और बस दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, मैं अगला वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और भी अगर मुझे कुछ इस टॉपिक पर मिलेगा तो पक्का से आपके साथ शेयर करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।